हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसकी थियोरी को हम आगे बढ़ाएंगे। उसका सी केस अब हम पढ़ने वाले हैं। सी केस ये है कि ऑब्जेक्ट्स आइडेंटिकल हो और ग्रुप्स डिस्टिंक्ट हो, तो इसका हम नंबर ऑफ वेज निकालना है। तो जब हमने ए केस पढ़ा था, जब दोनों डिस्टिंक्ट होते थे, ऑब्जेक्ट्स और ग्रुप्स दोनों, तब हमने दो डिस्ट्रीब्यूशन को कंबाइन करके हमारे नंबर ऑफ वेज निकाले थे। एक तो ऑब्जेक्ट का डिस्ट्रीब्यूशन और एक लेंथ का डिस्ट्रीब्यूशन। और जब हमने दूसरा बी वाला केस पढ़ा था, तब ऑब्जेक्ट तो डिस्टिंक्ट थे इसलिए इसका तो डिस्ट्रीब्यूशन होगा, लेकिन जब ग्रुप्स आइडेंटिकल हो गए तो लेंथ डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ था। ये तो याद है ना? याद ना हो तो वापस से वो उसके लेक्चर देख लेना। अब आज हम देखो, अब इस वाले केस में ऑब्जेक्ट्स आइडेंटिकल है तो ऑब्जेक्ट्स का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा, तो डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा वो किसका होगा? सिर्फ लेंथ का। लेंथ का भी क्यों होगा? क्योंकि ऑब्जेक्ट्स डिस्टिंक्ट है। तो फिर अब हम एक कुछ केसेस देखते हैं। पहला केस कि ग्रुप्स अनइक्वल साइज के हो। अब उसमें मान लेते हैं हमारे पास एम प्लस एन आइटम्स हैं, आइडेंटिकल आइटम्स या फिर ऑब्जेक्ट्स। और क्या है कि हमारे पास दो डिस्टिंक्ट ग्रुप्स हैं और दो डिस्टिंक्ट ग्रुप्स में एक ग्रुप में m ऑब्जेक्ट्स जाएंगे और दूसरे ग्रुप में n ऑब्जेक्ट जाएंगे। तो एक में m, दूसरे में n, ठीक है। तो अब हमें नंबर ऑफ वेज निकालने। तो अब इसमें वो वाला जो हम करते थे m प्लस n फैक्टोरियल बाय एम फैक्टोरियल एन फैक्टोरियल, ये वाला पार्ट नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि इसमें वो होगा, देखो इसमें ऑब्जेक्ट्स ये कब आता था, ऐसा कब आता था, जब देखो ये एम प्लस एन फैक्टोरियल बाय एम फैक्टोरियल एन फैक्टोरियल कब आता था? जब ऑब्जेक्ट्स डिस्टिंक्ट हुआ करते थे। अब तो ऑब्जेक्ट तो आइडेंटिकल होंगे तो ये वाला केस तो आएगा नहीं। तो आएगा कौन सा केस? सिर्फ लेंथ डिस्ट्रीब्यूशन। लेंथ डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा? टू फैक्टोरियल, यानी कि हमारा आंसर हो गया टू फैक्टोरियल। अरे समझ में आया? देखो टू फैक्टोरियल क्यों होगा वो तो आपने पढ़ा ही होगा ए केस में और बी केस में। फिर भी मैं बता देता हूँ, ये दो ग्रुप से ए और बी, इसमें एम आएंगे इसमें एन ऑब्जेक्ट्स आएंगे, या फिर दूसरा केस इसमें एन ऑब्जेक्ट्स आएंगे इसमें एन ऑब्जेक्ट्स एम ऑब्जेक्ट्स आएंगे। तो क्या ये दोनों अलग अलग केस हो गए? देखो ये दोनों अलग अलग केस हो गए ना। तो फिर अब जब ये दोनों अलग अलग केस हो गए तो इसलिए टू फैक्टोरियल वेस आ गए। ये तो दो ग्रुप्स थे, इसलिए अगर तीन ग्रुप्स होते तो थ्री फैक्टोरियल आते। अगर हमारे पास m प्लस एन प्लस p ऑब्जेक्ट्स होते हैं ये आइडेंटिकल और तीन ग्रुप्स होते हैं, एक में m, दूसरे में n, तीसरे में p, तीसरे वाले में p, तो इसमें थ्री फैक्टोरियल आंसर होता। अब हम दूसरे केस की बात करते हैं, इक्वल साइज वाली बात है। इक्वल साइज में क्या होगा? देखो इक्वल साइज की जब हम बात करते हैं तो अब इसमें हमने दोनों केस में ये पढ़ा था कि इक्वल साइज में लेंथ डिस्ट्रीब्यूशन भी ख़त्म हो जाएगा और इसमें हमारे पास जो है ऑब्जेक्ट्स का देखो इक्वल साइज में हमने क्या पढ़ा था ए और बी दोनों केस में कि लेंथ डिस्ट्रीब्यूशन ख़त्म हो जाता है भले ही ग्रुप्स डिस्टिंक्ट हो फिर भी। और इस वाले केस में देखो लेंथ डिस्ट्रीब्यूशन तो ख़त्म हो ही गया और हमारे पास ऑब्जेक्ट्स आइडेंटिकल है इसलिए उसका डिस्ट्रीब्यूशन तो होगा नहीं। तो फिर नंबर ऑफ वेज क्या आ जाएंगे? वन आ जाएगा। भले ही जितने हो, भले हमारे पास टू एम डिस्टिंक आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स हो, दो ग्रुप्स हो, दोनों में एम जाए, फिर भी वन वे हुआ। अगर हमारे पास थ्री एम आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स हुए, तीन ग्रुप हुए और एक में एम जाए, फिर भी वन वे हुआ। तो ये देखो तीन ग्रुप्स थे डिस्टिंक्ट और ये ऑब्जेक्ट्स, और इसमें भी लिख देते हैं दो डिस्टिंक्ट ग्रुप्स और
इतने आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स। अब इसमें सब में अगर इक्वल हुआ और इसी वाले केस में इक्वल हो गए तो वन ही आएगा, भले जितने भी हम नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स ला दें, जितने नंबर ऑफ ग्रुप्स ला दें, वन वे ही आएगा। क्यों वन वे आएगा? क्योंकि अब इसमें लेंथ डिस्ट्रीब्यूशन भी ख़त्म है, मतलब वन वे आएगा और ऑब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन का भी वन वे आएगा। तो आखिर में क्या हुआ, इसके नंबर ऑफ वेस जो हो गए वन हो गए। तो अब जैसे कि मैं एक अब कुछ सवाल मैं देता हूँ, एक एग्जांपल हम करते हैं जिसमें हमारे पास 30 मार्बल्स हैं और 5 स्टूडेंट्स में हमें बांटना है। इसमें पहला पार्ट कि एक स्टूडेंट, कोई से भी एक स्टूडेंट को, तीन मिले कोई से भी दूसरे स्टूडेंट को। रुको, एक चीज़ तो मैं बता नहीं रह गई सवाल के पहले, हम तीसरा केस पढ़ेंगे, मिक्स्ड केस। मिक्स्ड केस, अब इसमें हमारे पास मान लेते हैं 2m+n+p ऑब्जेक्ट्स है आइडेंटिकल, और हमारे पास 4 ग्रुप्स हैं। हमेशा वाला एग्जांपल ये, वो भी डिस्टिंक्ट। अब इसमें इस तरह है कि एक पे एक कोई से भी ग्रुप के पास एम आ, कोई से भी दूसरे ग्रुप के पास भी एम ऑब्जेक्ट्स हो गए, कोई से भी तीसरे ग्रुप में एन हो गया और कोई से भी चौथे ग्रुप में पी हो गए। तो अब इसमें नंबर ऑफ वेव्स क्या हो जाएगी, लेंथ डिस्ट्रीब्यूशन ही सिर्फ हमें देखना है। तो लेंथ डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, 4 factorial by 2 factorial, और यही हुआ हमारा आंसर। तो अब हम कुछ सवाल करेंगे। देखो पहला एग्जांपल जो मैं बता रहा था कि हमारे पास 30 मार्बल्स हैं, चलो थोड़े कम लगते हैं, 10 मार्बल हैं और तीन स्टूडेंट में, तीन चिल्ड्रन रखते हैं, स्टूडेंट नहीं, तीन चिल्ड्रन में बीच मतलब डिस्ट्रीब्यूट करना है। हाँ, पहला केस की एक के पास 5 जाए, दूसरे के पास 3 और तीसरे के पास 2। दूसरा केस, एक के पास 3 जाए, दूसरे के पास भी 3 जाए और तीसरे के पास 4 जाए। रुको, तो दूसरे के पास 3 और तीसरे के पास 4, तो ये दोनों पार्ट करते हैं। तो पहले पार्ट में, पहले आप ये वीडियो को पॉज करके इन दोनों को ट्राई कर लीजिए और हो ही जाएगी आपसे, बहुत सिंपल लल्लू सवाल है दोनों। तो ये तो सिर्फ आइडिया के लिए मैंने दिए, बाकी हो ही जाएगी, आप पॉज करके इसको सॉल्व कर लीजिए और बाद में सिर्फ मैच कर लीजिए हमारे साथ। पहला केस, जब 5, 2 और 3, मतलब एक के पास 5, दूसरे के पास 2 और तीसरे के पास 3। अब इसमें लेंथ डिस्ट्रीब्यूशन होगा और वो कितना होगा, नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएगी, 3 factorial, क्योंकि 5, 3 और 2 तीनों अलग अलग हैं लेंथ, तो उसके 3 factorial वेस। और अब दूसरे केस की बात करेंगे कि एक के पास 3 हो गए, दूसरे चाइल्ड के पास भी 3 हो गए, तीसरे चाइल्ड के पास 4 हो गए। अब इसमें नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन 3 factorial by 2 हो जाएगा। क्यों 2, क्योंकि दो लेंथ सेम है, दो के पास सेम लेंथ है 3 और 3। अब ये कोई से भी एक चाइल्ड है, ऐसा नहीं कि चाइल्ड नंबर 1 के पास ही ये होगा, कोई से भी एक चाइल्ड के पास इतने होगे। इसलिए हाँ, अगर ऐसा फिक्स होता कि चाइल्ड नंबर तीसरा पार्ट, चलो तीसरा पार्ट भी कर लेते हैं, फर्स्ट चाइल्ड के पास कितने, 6 रखते हैं, सेकंड चाइल्ड के पास 2 रखते हैं, थर्ड चाइल्ड के पास भी 2 रखते हैं। इसमें क्या है, ये सेकंड और थर्ड वाले थोड़े बड़े हैं इसलिए वो 2 में काम चला लेंगे, पहला वाला क्या है थोड़ा छोटा है इसलिए कम में नहीं मान रहा है, जीत दिए इसलिए 6 देने पड़े। ये तो सिर्फ मजाक वाली बात मैं कर रहा हूँ, बाकी तो अब नंबर ऑफ वेज क्या हो गए, अब इसमें नंबर ऑफ वेज 1 हो गए। क्यों, क्योंकि अब इसमें लेंथ भी फिक्स कर दी इसलिए लेंथ डिस्ट्रीब्यूशन होगा नहीं। और हाँ, खास बात, मार्बल 10 मार्बल दी है तो इससे मार्बल तो एक जैसे ही दिखती है, जो मार्बल्स होते हैं वो एक जैसे दिखते हैं, ये हमारी पहचानने की शक्ति होनी चाहिए, कॉमन सेंस
इसमें कई ज़्यादा हेल्प करेगा कि कौन सी चीज़ आइडेंटिकल होगी, कौन सी चीज़ डिस्टिंक्ट होगी। तो इसमें ऑब्जेक्ट्स डिस्टिंक्ट नहीं है और लेंथ भी हमने फिक्स कर दी, इसलिए भले ही ग्रुप्स आइडेंटिकल है, नंबर ऑफ वेज वन हो गए। तो आई होप दैट यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस देन प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।